करो का दुष्ला यादव, आप देख रहे प्राइम टीवी। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बिहार के बाद यह बवाल हरियाणा के गुरुग्राम और राजस्थान तक फैल गया है। युवा अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। स्कीम के विरोध में कई जगह आगजनी भी हुई है। रेल मार्ग सड़क को रोका गया है। इसके अलावा पथराव की भी खबरें सामने आ रही है। दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध में सेना की नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों ने लखनऊ में भी प्रदर्शन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया। ये छात्र राजभवन तक मार्च करने की तैयारी में है। वहां जाकर ये लोग राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में एक योजना सामने आई थी, जिस योजना को लेकर युवाओं में खासा नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर जो युवा हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं सेना भर्ती की, उनमें खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और युवाओं के प्रदर्शन की और आगजनी की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। अगर बात बिहार की करें तो बिहार में ट्रेनों में आग लगा दी गई युवाओं के द्वारा। राजस्थान से भी इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हरियाणा के गुरुग्राम से भी इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी देख सकते हैं। बिहार में ट्रेनों में आग लगा दी गई है। अलीगढ़ से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। औरैया से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। साथ ही साथ बिजनौर और फिरोजाबाद से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। संवाददाता सागर थापा इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, जिस तरह से युवाओं द्वारा इस योजना का विरोध किया जा रहा है, बिहार, यूपी, उत्तराखंड समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट है और किस तरह से इसकी डिटेल समझाकर प्रशासन द्वारा इन युवाओं को विरोध करने से रोका जा रहा है? जी तस्वीर देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो अग्निवीर है, जो योजना लाई गई सरकार द्वारा, इसका कई राज्यों में विरोध हो रहा है। सबसे पहले बिहार में हुआ, उसके बाद हरियाणा में हुआ, उसके बाद यूपी में हुआ। यूपी में कुछ जगहों पे हल्का फुल्का विरोध देखने को मिला। और बात करूँगा राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं, जो 17 से 21 के वर्ष के बीच हैं, उन्होंने विरोध करना चाहा, लेकिन प्रशासन इस तरह से एकदम चुस्त दुरुस्त था, तो वो लोग ने प्रशासन ने उन्हें रोका और विरोध करने से एकदम, क्योंकि पूरी तरह से अगर बात करूं तो छात्र नेता भी कुछ है, वो भी हिरासत में लिए गए, उन्हें पुलिस चौकी में बैठाया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं एक वरुण गांधी है, बीजेपी के कद्दावर नेता, और उसके बाद उनका भी ट्वीट आता है, वो भी राजनाथ सिंह को ट्वीट करते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं कि कहीं ना कहीं युवा इन 4 साल की अवधि को लेकर बहक रहा है या बरगला जा रहा है, तो उनसे भी जवाब मांगा गया कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं युवाओं को स्पष्ट करें कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या आपको देश सभा का मौका किस तरह से मिल सकता है। दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो बहन जी मायावती का 3 ट्वीट लगातार आते हैं। उन्होंने भी सरकार से ये कहा, सरकार को ये बताया कि सरकार कहीं ना कहीं युवाओं को बरगला रही है, बहका रही है, युवाओं को अपने बीच रास्ते से, बीच मकसद से दूर कर रही है। दूसरी बात, आखिरी में सीएम योगी का ट्वीट आता है कि आप प्रिय युवा साथियों की जो भी है, कृपया करके आप बहकिए नहीं और लोगों की बातों में ना आइए, आपको देश सभा का मौका मिलेगा और सरकार आपको यूपी पुलिस समेत तमाम अन्य जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें प्राथमिकता देगी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ देखिए, युवा जो है वो बरगला रहा है, वो थोड़ा सा बहक रहा है, तो वहीं सरकार अपना काम कर रही है, बीजेपी सरकार अपना काम कर रही है, अपना पूरा दायित्व निभा रही है कि किस तरह से जो युवा अगर बहका है तो उसे सही पटरी पर लाया जाए, ना कि उसे गलत पटरी पर ले जाके उसका भविष्य खराब किया जाए। जी तस्वीर सागर, जिस तरह से एक तस्वीर ये भी सामने आई है कि हरियाणा में एक युवा के 2 साल से तैयारी कर रहा था सेना की, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है। युवाओं में खासा जो निराशा है और नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि आपने क्या युवाओं से बातचीत की, युवाओं की क्या शिकायतें हैं, क्या मांग वो रखना चाहते हैं, क्या उन्हें अग्निपथ योजना समझ में नहीं आई या फिर कोई और मामला है? जी त्रिशला, देखिए हमारी बात हुई थी लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मैं गया उनसे, कुछ युवाओं से मैंने बात कही, तो लेकिन सबका एक ही समांतर जो जवाब है वही मिला था। सबका यही कहना था अगर भर्ती की प्रक्रिया है तो वो केवल 4 साल तक की क्यों, और 4 साल के बाद अगर वो भर्ती वहाँ से निकल जाते हैं, 75% से निकल जाते हैं, 75% में आकर, तो उसके बाद उनके भविष्य का क्या होगा।
उनके भविष्य का क्या होगा, भविष्य उनका अधिकार में चला जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता पूरी तरह कि कहीं ना कहीं सरकार उनका ध्यान देगी। सरकार, अगर आप किसी भी आर्मी ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी, चाहे किसी भी सैन्य बल हो, चाहे CRPF हो, चाहे BSF हो, चाहे पुलिस बल हो और अन्य सरकारी सेवाओं में आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को सबसे पहले ये समझना होगा कि सरकार, मोदी सरकार जो योजना लेके आई है अग्निवीर की, ये युवाओं के लिए बहुत ही बेहतर एक ऑप्शन है देश सेवा करने के लिए। तो उन्हें सबसे पहले सरकार को ये लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना होगा युवाओं को कि सबसे बेहतर विकल्प है अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं तो। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद सागर। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन बुधवार को करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। वहीं इस दौरान उनसे एसोसिएट जनरल लिमिटेड और इसका मालिकाना हक रखने वाली कंपनी यंग इंडियन से जुड़े निर्णयों में उनकी निजी भूमिका के बारे में सवाल जवाब किए गए। पूछताछ के दौरान नेता राहुल गांधी ने ईडी को बताया कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की संपत्ति के यंग इंडियन के अतिग्रहण से संबंधित सभी लेन देन कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा ही देखते थे। तो उधर राहुल गांधी की पेशी को लेकर देश भर में प्रदर्शन जमकर हो रहा है। तो वही से विरोध का ज्वाला अब लखनऊ तक पहुंच चुका है, जहां कांग्रेस राजभवन का घेराव करने की तैयारी में है, जिसको लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। जहां एक तरफ नेशनल हेराल्ड का मामला आगे बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है, ईडी लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, तमाम तरह के सवाल ईडी द्वारा राहुल गांधी से किए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकल करके सामने आई थी कि ईडी को इसलिए इतना ज्यादा वक्त लग रहा है कि राहुल गांधी सोचे समझे जवाब दे रहे हैं, सटीक एक ही जवाब दे रहे हैं, जिसके चलते पूछताछ में इतनी देरी लग रही है। साथ ही साथ वे अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिर्फ ये उनकी छवि को धूमिल करने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। लेकिन अगर बात यंग इंडियन की करें तो यंग इंडियन को नो प्रॉफिट नो लॉस की कंपनी है, यानी कि उसका मालिकाना हक ऐसा किसी के पास नहीं। उसके बावजूद भी ईडी का यही कहना है कि अगर कोई समाज सेवा के कार्य किए गए हैं तो आप उसका ब्यौरा हमें दीजिए, उसका ब्यौरा हमें दिखाइए, जिसको लेकर ईडी सवाल पे सवाल राहुल गांधी से दागे जा रही है। और जो कार्यकर्ता है उनमें खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश के कई जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। दिल्ली स्थित कार्यालय में भी धारा 144 लगा दिया गया था। वही संवाददाता विभांशु उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। विभांशु, क्या कुछ अपडेट है पूछताछ के मामले में? राहुल गांधी से क्या पूछताछ चल रही है? क्या सूत्रों के हवाले से कोई खबर निकल कर सामने आ पाई है कि किस तरह से जवाब दे रहे हैं राहुल गांधी? जी, आपको बता दे कि ईडी की तरफ से राहुल गांधी को समन भेजकर उन्हें तलब किया गया था। उसी क्रम में आपको बताएं कि तीन दिन उन्हें पूछताछ हो गई है। उसी क्रम में कल फिर उनसे पूछताछ होनी है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज उसके विरोध को लेकर राजभवन का घेराव किया जाना था। आपको बताएं कि राजभवन के घेराव से पहले जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, चाहे बात की जाए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की, चाहे बात की जाए राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता आपके प्रमोद तिवारी की, वही बात की जाए तो विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना की, सभी को देर रात ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। वहीं अगर बात करें तो आज 11 बजे से प्रदर्शन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आज राजभवन के सामने जाकर घेराव करने वाले थे। मगर उससे पहले ही आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी से लेकर राजभवन तक पुलिस प्रशासन लगा दी गई, साथ ही साथ बैरिकेटिंग लगा दी गई।
और जिसमें आपने तस्वीरों में आपने देखा कि तमाम कार्यकर्ता अपने हाथों में पोस्टर लेकर कांग्रेस का झंडा लेकर और सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि सरकार जो भी एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रही है। उसी क्रम में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद आपको बताएं कि पुलिस प्रशासन लगभग घंटों तक मशक्कत के बाद उन्हें शांत कराने का काम किया गया और उन्हें वापस भेजने का काम किया गया, मगर उनकी तरफ से साफ तौर पे कह रहा था जब तक हम राजभवन नहीं जाएंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें गिरफ्त में लेकर इको गार्डन भेज दिया। वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर राहुल गांधी को डर होता तो वो अदालत जाते, ना कि प्रवर्तन निदेशालय। जी तसला जी, लेकिन विभांशु जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप के भी दौर इस कड़ी में जारी है, उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी इस मामले में कोई दोषी नहीं है, ये मामला बहुत पहले का था, सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले पर को खत्म करने की खुद ही याचिका दी थी, उसके बावजूद भी राहुल गांधी को सिर्फ ईडी उनकी छवि को धूमिल करने के लिए उनसे पूछताछ कर रही है। कल जब दिल्ली के कार्यालय से तमाम नेताओं को वहां से हटाया गया, धारा 144 लागू किया गया, तो नेताओं का ये कहना था कि आप हमारे कार्यालय में धारा 144 नहीं लगा सकते, तो ऐसे में जो बड़े नेता है उनका क्या कुछ कहना विभांशु सामने आ रहा है, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर, और साथ ही साथ अभी क्या ईडी की तरफ से कुछ खबर निकल करके सामने आई या फिर ईडी के सूत्रों के हवाले से क्या कोई खबर सामने आई विभांशु? जी तुसला, आपको बता दें कि राहुल गांधी से 3 दिन पूछताछ हो चुकी है, जिसमें सैकड़ों सवाल उनसे पूछे गए, साथ ही साथ जवाबों से सवाल निकालकर पूछे गए। वहीं राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए ईडी के अफसरों से कहा था, आपने देखा कि बीते दिन क्या सबके साथ ऐसी ही कार्रवाई होती है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के प्रमोद तिवारी जो कि राज्यसभा सांसद हाल ही में चुने गए हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है और महज इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं, साथ ही साथ उनकी पार्टी के बाहर भी फोर्स लगाई गई है जिसका उनकी तरफ से आलोचना किया गया है। कहा गया है कि आप उनके घर लगाएं या उनके किसी ऐसे जगहों पर लगाएं, ना कि राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर आप लगाएं। और साफ तौर पर आज प्रमोद तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अपनी फायदे के लिए केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इतिहास के पन्ने जब खंगाले जाएंगे तब इस चीज़ों को याद रखा जाएगा। वहीं आपको बताएं कि कल राहुल गांधी को पेश होना है कोर्ट के अंदर, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के मुख्यालय दिल्ली में, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आपको बताएं कि जब से उन्हें पेश किया जा रहा है, तीन बार वो पेश चुके हैं, कल चौथी पेशी होगी, तो जब उनकी पेशी का मामला जब से आया है तब से कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। और कल भी आपको बताएं कि कल भी प्रदर्शन रखा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जब वहीं आपको बताएं कि बीते दिनों राहुल गांधी से तमाम सवाल किए गए, जिसमें उनसे पूछा गया कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में आपकी कितने परसेंट की हिस्सा है, वहीं आपको बोला गया कि और कितने सदस्य हैं, जिसके सवालों का जवाब राहुल गांधी ने दिया। साथ ही साथ आज प्रमोद तिवारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, उस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से कहा गया कि अगर राहुल गांधी गलत होते तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाते, ना कि वो प्रवर्तन निदेशालय जाते। तो साफ तौर पर प्रमोद तिवारी का कहना है कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी निर्दोष है। वहीं अगर बात करें तो 2012 के समय में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद ये मामला शुरुआत हुआ था। जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका विभांशु। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंसा करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अगले सप्ताह सुनवाई की बात कही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर अंतरिम रोक का आदेश देने से इनकार कर दिया है और साथ ही यूपी सरकार को कहा कि कोई भी कार्रवाई नियम के दायरे में ही होनी चाहिए, संबंधित व्यक्ति को समय पर नोटिस और फिर उसका जवाब देने का अधिकार मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने रोक लगाने से मना कर दिया और साथ ही यूपी सरकार से कहा है कि कोई भी कार्रवाई नियम के दायरे में होनी चाहिए, संबंधित व्यक्ति को समय पर नोटिस और फिर उसका जवाब देने का अधिकार भी मिलना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो पहले उसको नोटिस भेजा जाए, उससे जवाब मांगा जाए, अगर जवाब से आप सहमत नहीं है तो फिर कार्रवाई किया जाए। हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई पर अंतरिम रोक का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनकार कर दिया गया है। संवाददाता गौरव श्रीवास्तव उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, प्रयागराज में जो मुख्य आरोपी का घर जमींदोज किया गया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि वो डायरेक्ट अंतरिम रोक नहीं लगाएगी, पहले जवाब देने का वक्त दिया जाए जिसने जो भी काम किए हैं। तो क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पर और किस तरह का रिएक्शन इस पर उत्तर प्रदेश सरकार का आया है? गौरव, देखिए मैं बता दूँ कि जमीयत जो उलेमा हिंद है उसने एक अर्जी डाली थी। उन्होंने कहा था कि जो ये कार्रवाई हो रही है ये गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन 1958 के एक धारा 10 के तहत ये कार्रवाई गलत है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट जो एक जिसकी एक जो आपका धारा है उसकी धारा 27 के तहत, उसके जो एक एक्ट है 1973 का, उसकी भी धारा 27 के तहत इस तरह की कार्रवाई के पहले जो भी मालिक होता है निर्माण जिसका भी निर्माण है उसको 15 दिन का नोटिस दिया जाता है और साथ ही साथ उसके मालिक को कार्रवाई का नोटिस के जवाब देने के लिए भी 30 दिन का समय मांगा जाता है और समय देने के बाद फिर आप कार्रवाई कर सकते हैं। पर यहाँ पर उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरह का नोटिस नहीं दे रही है, ना ही कार्रवाई रोकने के लिए कोई अपील दाखिल करने समय दे रही है और लगातार यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है, उन्होंने कहा है बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक तो नहीं लगा सकते हैं, पर उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने ये भी कहा है कि 3 दिन में हलफनामा सौंपें और बताएं कि वो किस तरह प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करें और जो भी निर्माण वो गिरा रहे हैं बुलडोजर के माध्यम से उसके लिए बताएं कि किस तरह की वो प्रक्रिया का फॉलो कर रहे हैं, उसको कैसे पालन कर रहे हैं, किस तरह किस प्रक्रिया के तहत इन बुलडोजरों का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों का अवैध निर्माण गिराने के लिए। ये मामला वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और अगले हफ्ते इसकी फिर सुनवाई होगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कर जून को प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा और बवाल के मामले में पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटा है। आरोपियों की गिरफ्तारी और बुलडोजर एक्शन के साथ ही अब हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई पद्रियों से करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर कल होने वाली जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा की तैयारियां जोरों पर हैं। आला अधिकारियों की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया जा रहा है तो वहीं अटाला क्षेत्र के विभिन्न गलियों में ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं। बताया गया कि ड्रोन कैमरे से गलियों के अंदर चल रही गतिविधियों को कैमरे में कैद कर लिया जा रहा है और इस बार कोई भी असावधानी पुलिस प्रशासन नहीं बरतना चाहती है। पहला हिंसा 2 जून को, उसके बाद 10 जून को दोबारा उत्तर प्रदेश में नूपुर शर्मा के बयान पर हुआ था। लोगों, तमाम जो मुस्लिम समुदाय है उसकी मांग है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पवन पटेल प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ तैयारियां हैं इस जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन की? जी, संगम नगरी प्रयागराज में जुमे की नमाज को लेकर जिस तरीके से पिछले जुमे की नमाज पर दंगा यहाँ पर देखने को मिला था, अगर बात की जाए आने वाले कल की, तो प्रशासन पूरी तरीके से कमर कस के बैठा हुआ है। लगातार जिले के आला अधिकारी अटाला क्षेत्र में सड़कों पर भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे अटाला क्षेत्र की जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, वहां पर ड्रोन कैमरे चलाए जा रहे हैं और ड्रोन कैमरे से ये देखा जा रहा है कि गलियों में लोगों की जो गतिविधियां हैं वो किस तरह से हैं। हालांकि अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, यहाँ पे RAF लगाई गई है, PAC की कई कंपनियां लगाई गई हैं और यहाँ पे पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, उनको लगातार ब्रीफ किया जा रहा है और किसी भी तरह की प्रशासन यहाँ पर कोई चूक नहीं करना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले जुमे के बाद
यहाँ पे दंगा का जो इतनी बड़ी घटना सामने आई है, प्रशासन पूरी तरह से कमर कस के बैठा हुआ है और निश्चित रूप से कल का जो जुमा का जो नमाज होगी उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से इसमें ना कोई ढील देने की कोशिश कर रहा है, ना ही इसमें कोई तस्वीरें ऐसी दिख रही हैं और पूरी तरीके से प्रशासन इस पे अपने मुस्तैदी दिखा रहा है। जी पवन, जिस तरह से जावेद पम के घर को ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद और जो आरोपी है उनके पोस्टर जारी कर दिए, क्या खौफ देखने को मिल रहा है जो भी इस घटना में संलिप्त थे उनमें? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल पोस्टर जारी किए गए हैं, टोटल 59 लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं, हालांकि 40 लोगों को पुलिस द्वारा पहचान लिया गया है, कुछ अन्य लोग हैं जो इनको आरोपी हैं, जो इनके सीसीटीवी या कैमरे के माध्यम से जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं उनके पोस्टर लगभग 50 जगह करीब 50 जगह चौराहे पे चस्पा किए गए हैं और पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अगर ये जो दंगाई है जिनके चेहरे सामने आए हैं या तो वो पुलिस के सामने या न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो उनके घरों पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से पुलिस यहाँ पे कार्य कर रही है निश्चित रूप से, और जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आने की यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है और निश्चित रूप से एक बड़ी जो लिस्ट यहाँ पर वो सामने आएगी। जी जी तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया पवन। दिनभर की बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।